हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कहते हैं कि अगर हमारा मन साफ हो तो भगवान हमारा साथ देते हैं, और मैंने ऐसा फील भी किया है कि अगर हमारा मन साफ हो तो हम अंदर से खुश रहते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। साफ मन होने का मतलब है कि हमारे मन में किसी को लेकर ना तो किसी के लिए हमारे मन में गुस्सा है, ना ही किसी को देख के हमें जलन हो रही है, और कुछ भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं है माइंड में। तो जब हमारे मन साफ है और हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स हैं, हम हमेशा कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा सोचते हैं, तो हमें अच्छा भी फील होता है और भगवान हमारा साथ भी देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमें हमेशा ना, कई बार क्या होता है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि हम अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उस टाइम हमारी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर करना चाहिए। अगर हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते उनके लिए, तो एक छोटी सी मोटिवेशन तो डेफिनेटली उनके लिए हम बन ही सकते हैं, उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट तो हम कर ही सकते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो किसी को दी जा सकती है वो एक मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन है। तो जब भी पॉसिबल हो, किसी ना किसी को इंस्पायर करने की पूरी कोशिश किया करो। ओके, सो कमिंग टू द लेक्चर। ओके, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टार्ट किया था। मैंने ये बताया था कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने क्लासिफाई किए हैं वो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पे क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर, या आप बोल सकते हैं मैटर के करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर बनाई है। तो हमने सॉलिड और लिक्विड अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आज हमने गैस के बारे में पढ़ना है। ओके, सॉलिड के बारे में एक दो पॉइंट है जो मैं पहले डिस्कस करना चाहूँगा, फिर हम गैस स्टार्ट करेंगे। सॉलिड में एक एग्जांपल आता है रबर बैंड का। ठीक है, अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेच हो जाता है। ठीक, स्ट्रेच होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और एक पॉइंट पर आके वो ब्रेक हो जाएगा, फर्दर स्ट्रेच नहीं हो पाएगा उससे, एक पॉइंट तक वो स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, तो हमने सॉलिड्स में पढ़ा था कि सॉलिड्स दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, अगर आप उनको ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। तो रबर बैंड के केस में भी ऐसा होता है कि अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, वो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, हम स्ट्रेचिंग भी एक टाइप की कंप्रेशन ही है, कंप्रेशन का ऑपोजिट है बेसिकली, तो कंप्रेशन से रिलेटेड ही है। तो हमारे माइंड में ये डाउट आ सकता है कि रबर बैंड को आप कंप्रेस स्ट्रेच भी कर पा रहे हो, कंप्रेस भी कर पा रहे हो। एक्चुअली रबर बैंड को जब आप कंप्रेस करते हो तो वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट तक स्ट्रेच हो सकता है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए रबर बैंड को भी हम सॉलिड्स में रखते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेच होने के बाद एक तो वापस अपनी जगह आ जाता है, और दूसरा एक पॉइंट तक स्ट्रेच होता है, उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट तक स्ट्रेच होने वाली जो बात है ना, इसकी वजह से उसको हम सॉलिड में रखते हैं। ठीक है, स्ट्रेच होकर वापस अपनी जगह आ रहा है, ये थोड़ा सा डाउट ही क्रिएट करता है माइंड में, बट एक पॉइंट के बाद वो स्ट्रेच नहीं हो सकता और ब्रेक हो जाता है, ये उसको सॉलिड जैसी प्रॉपर्टी उसमें शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स कंप्रेस कम होते हैं, लेकिन ज़्यादा कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इसी तरह रबर बैंड भी एक पॉइंट के बाद ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा स्पॉन्ज का अगर हम एग्जांपल लें तो आप देखोगे स्पॉन्ज को तो आप कंप्रेस कर सकते हो। एक्चुअली स्पॉन्ज में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आप उनको कंप्रेस नहीं कर पा रहे। आप क्या कंप्रेस कर पा रहे हो, स्पॉन्ज जो है उसमें बहुत सारे पोर्स हैं और पोर्स में एयर फिल्ड है। जब आप स्पॉन्ज को प्रेशर अप्लाई करते हो स्पॉन्ज पे, तो उन पोर्स में से एयर बाहर निकल जाती है और आपको वो स्पॉन्ज कंप्रेस होता नजर आता है। ठीक है, स्पॉन्ज कंप्रेस हो रहा है, लेकिन स्पॉन्ज के अपने सॉलिड पार्टिकल्स कंप्रेस नहीं हो रहे, स्पॉन्ज के पोर्स में जो एयर है वो बाहर निकल रही है, उसकी वजह से आपको स्पॉन्ज कंप्रेस होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो इसलिए स्पॉन्ज को भी हमने सॉलिड में रखा है, उसकी कंप्रेशन का रीजन कुछ और है, उसके अपने पार्टिकल्स। कंप्रेशन का मतलब है कि जब पार्टिकल्स क्लोज आ जाए किसी भी सब्सटेंस के, स्पॉन्ज के अपने पार्टिकल्स जो है वो क्लोज नहीं आ रहे। ठीक है, बस वहां से एयर जो है एस्केप हो रही है, इसलिए स्पॉन्ज को भी हमने सॉलिड में रखा। चलिए अब गैस की बात करते हैं। गैस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम
सिरिंज लेंगे, सिरिंज इंजेक्शन जो होता है वो लेंगे, हमने 3 सिरिंजेस लेनी है, 3 इंजेक्शंस, और जो सिरिंज होती है कुछ इस तरह से, ये उसकी नोजल है और यहाँ पर पिस्टन लगा होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, नोजल पर रबर कॉक लगा देनी है, मतलब नोजल को बंद कर देना है, ठीक है, और जो 3 सिरिंज है तीनों के नोजल को बंद कर देना है। अब उसके बाद 2 सिरिंज का पिस्टन बाहर निकाल देना है, ठीक है, तीसरी को कुछ नहीं करना, तीसरी को सिर्फ रबर कॉर्क लगाना है, उसका पिस्टन बाहर नहीं निकालना, ठीक है। अब जो पहली सिरिंज है, ठीक है, जिसका पिस्टन बाहर निकला हुआ है, रबर कॉर्क लगा हुआ है, उसके अंदर आपने चॉक के पीसेस डाल देने हैं, ठीक है। दूसरी सिरिंज जिस पे रबर कॉर्क लगा हुआ है उसके अंदर आपने थोड़ा सा वाटर डाल देना है, ठीक है, और तीसरी सिरिंज तो एज इट इज ही रहेगी, ओके। जो पहली 2 सिरिंज है उसमें मटेरियल फिल करने के बाद उसके ऊपर पिस्टन लगा देना है, पिस्टन पता है ना जो आगे पीछे हो जाता है, जिसको आप खींचते हो, जिसको आप आगे की तरफ पुश करते हो, तो आपने पिस्टन वापस अप्लाई कर देना है, ठीक है। अच्छा, पिस्टन लगाने से पहले थोड़ा सा वैसलीन अप्लाई कर लेना पिस्टन पे, ताकि वो बड़ा स्मूथली मूव कर सके, ठीक है। अब आप जब पिस्टन अप्लाई करते हो, ठीक है, मान लो आपने यहाँ से चॉक फिल किया था और पिस्टन अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब आप इसको पुश करोगे, अगर आप इसको पुश करोगे तो क्या होगा, ये जो सिरिंज का जो पिस्टन है या तो बिल्कुल आगे मूव नहीं होगा, या अगर थोड़ा सा मूव होगा भी तो वो वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा, बस मूव होकर वहीं रुक जाएगा, ठीक है। अगर वाटर के केस में आप सिरिंज लगा दिए, आप वाटर तक आपने पिस्टन को लेकर जाना है, उसके बाद उसको कंप्रेस करना है, ठीक है, अंदर पिस्टन को अंदर की तरफ पुश करना है, तो ये कंप्रेस नहीं होगा। और तीसरा है, तीसरा पिस्टन जो एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है बेसिकली, उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, आप उसको कंप्रेस करते हो तो अंदर भी जाएगा और जब आप उसको छोड़ोगे तो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अब तीनों को फिर से समझते हैं। पहला केस, जब आपने चॉक डाला था तो चॉक के पीसेस के बीच में जो वेकेंट स्पेस होगा उसकी वजह से थोड़ा सा पिस्टन कंप्रेस होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस जिसमें वाटर था उसमें बिल्कुल कंप्रेस नहीं हो रहा, या बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, जो पता भी नहीं चल रहा। तीसरा केस जिसमें एयर है, आप उसको कंप्रेस करोगे, उसके बाद जब पिस्टन को छोड़ोगे पिस्टन वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां से प्रूव होता है कि जो गैसेज हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, आप उनको प्रेशर लगाकर कंप्रेस कर सकते हो, गैसेज दे आर हाईली कंप्रेसिबल, ओके। तो हमने सॉलिड लिक्विड गैसेज के से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज की और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, गैस की और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है पहले वो स्टडी कर लें। सॉलिड्स, सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास, और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। लिक्विड्स में, पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है और वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब थोड़ा दूर दूर होते हैं। गैसेस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है और पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं दूसरे से, ठीक है, दे आर लीस्ट क्लोजली पैक्ड एंड दे हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट है, गैसेस में लोएस्ट है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है और गैसेस में लीस्ट टाइटली पैक्ड है। तो ये इनका पार्टिकल का अरेंजमेंट है, इस पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से ही इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, ठीक है। पार्टिकल जिस तरह अरेंज्ड है उसी बेस पर इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। तो इसलिए हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अब आपने पार्टिकल अरेंजमेंट देख लिया, अब इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए इस पार्टिकल अरेंजमेंट की बेसिस पर हम गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। शेप, गैस की शेप कोई फिक्स नहीं होती, आप गैस को जहां पर रखोगे वो उस पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। गैस को एक बीकर में डाल दो, गैस बीकर की पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। गैस को एक रूम में डाल दो तो वो पूरे रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो उसकी शेप कोई फिक्स नहीं है, शेप चेंज हो सकती है, बाउंड्रीज भी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। बीकर में रखा तो बीकर उसकी बाउंड्री बन जाएगा, रूम में रखा तो रूम की वॉल्स उस गैस की बाउंड्री बन जाएगी, तो बाउंड्रीज भी फिक्स नहीं है। देन उसके बाद वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा गुब्बारा बेचने वाले आते हैं ना, वो वाले मतलब सड़कों पर साइकिल के ऊपर सिलेंडर डाला होता है उन्होंने, और बैलून को फिल करके हमें देते हैं, और वो बैलून फ्लाई भी करते हैं, ठीक है ना, हवा में ऊपर चले जाते हैं। हीलियम गैस होती है उस सिलेंडर में, हीलियम गैस बहुत लाइट होती है इसलिए वो बैलून फ्लाई करते हैं और ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि उस सिलेंडर में गैस बहुत, मतलब सिलेंडर तो छोटा सा है लेकिन उस सिलेंडर से वो थाउजेंड्स ऑफ बैलून को फिल कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसा क्यों है? क्योंकि गैस को कंप्रेस किया जा सकता है, उस सिलेंडर में जो गैस फिल की है वो हाईली कंप्रेस करके उस गैस को फिल किया गया है, और जब आप सिलेंडर की नोजल को खोलते हैं, बैलून फिल करना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे बैलून फिल हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गैस जो बाहर निकलती है वो पूरे बैलून में स्प्रेड हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि गैसेज हाईली कंप्रेसिबल है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ी सी स्पेस में एक इकट्ठा कर सकते हैं, तो सिलेंडर में इकट्ठा किया है। ठीक है, जब आप सिलेंडर को ओपन करते हो तो गैस क्या चाहेगी, अपने वॉल्यूम को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, ठीक है, एक ऑप्टिमम वॉल्यूम अटेन करने की कोशिश करेगी, और उस वजह से, उस टेंडेंसी की वजह से बैलून्स आप बहुत सारे फिल कर सकते हैं। तो गैसेज दे आर हाईली कंप्रेसिबल, आप उनको कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। उसके अलावा गैसेज जो हैं, जब आप सिलेंडर को ओपन करेंगे, गैसेज एयर में पूरी फुल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी, यानी जब सिलेंडर में है तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम है। मान लो मैंने सिलेंडर ओपन कर दिया, इस पूरे रूम में गैस स्प्रेड होगी, तो इस पूरे रूम का जो वॉल्यूम है वो गैस का वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी क्या होता है गैस के केस में चेंज हो जाता है। रिजिडिटी, ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टी थी, सॉलिड्स में क्यों ऐसी प्रॉपर्टी थी वो देख लेते हैं। सॉलिड्स के पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते थे, रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, ना इनको कंप्रेस किया जा सकता है, ना इनकी शेप में कोई चेंज किया जा सकता है, इसलिए हम बोलते हैं सॉलिड्स रिजिड होते हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज जो है, गैसेस बेस्ट वे में डिफ्यूजन शो करते हैं, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड किसी और लिक्विड में जाके डिफ्यूज हो सकते हैं, जैसे सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, डिफ्यूज हो गया, ठीक है, इंक की ड्रॉप को वाटर में डाल दिया, डिफ्यूज हो गई, ठीक है। लेकिन गैसेस जो हैं वो क्या करती हैं, गैसेस डिफ्यूजन बहुत अच्छे से शो करती हैं। कैसे, लेट अस सपोज हमारे पास फ्रेश हॉट कुक्ड फूड है, आपने अगर उसको यहाँ प्लेस किया है तो दूर दूर तक उस फूड की स्मेल आएगी, ठीक है। क्यों आएगी स्मेल, क्योंकि जो फूड का एरोमा है, ठीक है, वो क्या होगा, वो एयर के साथ मिक्स होगा और एयर के साथ ट्रेवल करेगा। अब फूड हॉट है तो एरोमा, आपको पता है एरोमा में एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए एरोमा दूर दूर तक जाएगा, और अगर वही फूड कोल्ड होगा तो एरोमा इतनी दूर नहीं जाएगा। मतलब डिफ्यूजन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, डिफ्यूजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर हाई है, फूड हॉट है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा है, मतलब दूर तक पार्टिकल ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज गैसेस बहुत अच्छे से शो करते हैं। नेक्स्ट, फ्लूडिटी, फ्लूडिटी होती है टेंडेंसी टू फ्लो, लिक्विड्स और गैस दोनों फ्लो कर सकते हैं, तो ये लिक्विड्स और गैस की प्रॉपर्टी है, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक और बात है गैस के बारे में, प्रेशर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज इस रूम में गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं और रूम की वॉल्स के साथ भी कोलाइड कर सकते हैं। तो जब वो रूम की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, रूम की वॉल्स जो हैं फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। तो वो जो फोर्स रूम की वॉल एक्सपीरियंस करती है उसी को हम प्रेशर बोलते हैं, और उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स की यूनिट, सीजीएस यूनिट है डाइन, ठीक है, तो सीजीएस में जो सरफेस एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेना है वॉल का, उस पर जितनी भी फोर्स लग रही है उसी को आप क्या बोलोगे, प्रेशर, सीजीएस यूनिट में। और अगर आप एसआई में निकालना चाहते हो तो एसआई यूनिट है फोर्स की न्यूटन, और एसआई यूनिट में सरफेस एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर में जितना न्यूटन प्रेशर, जितना न्यूटन प्रेशर आपकी गैस वॉल्स पे अप्लाई कर रही है उसी को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे उसको प्रेशर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर वॉल का एरिया लेना है, उस पर जितना न्यूटन फोर्स गैस अप्लाई कर रही है उसको आप बोलोगे गैस का प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है आपका प्रेशर, और ये गैस की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा, एक छोटा सा मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे, ओके। एक छोटा सा पॉइंट है, जब मैं छोटा था ना, मुझे समझ ही नहीं आता था ये स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, दिमाग में घुसता ही नहीं था, बहुत सोचता था, समझ नहीं आता था। फिर मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने के लिए थोड़ा सा एक फनी वे निकाला, ठीक है, ओके। क्या किया मैंने, मैंने कहा स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो, स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली हम अपने आप में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, मेरा देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है, समझने की कोशिश करना, ओके। हमारी भी 3 स्टेट्स होती हैं पूरे दिन में, ठीक है, हम खड़े हैं 1 स्टेट, बैठे हैं 2 स्टेट, लेटे हैं 3 स्टेट। जब आप लेटे हो उस टाइम आप में एनर्जी ज़्यादा होती है कम होती है, उस टाइम हम में एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि हम अपने हाथ पाँव कुछ भी नहीं हिला रहे होते। जब हम बैठे हैं तो एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, थोड़ी बढ़ जाती है क्योंकि बैठ कर हम अपने हाथ तो हिला सकते हैं, और जब हम खड़े हैं तो टांगे भी हिला, चल भी सकते हैं और
हाथ पांव सब कुछ हिला सकते हैं, तो खड़े रहते समय एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने अपनी स्टेट्स, तीन स्टेट्स को इन स्टेट्स के साथ कंपेयर कर लिया। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी कब है, जब हम खड़े हैं, ठीक है। तो गैसेस में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम है, पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं। लिक्विड्स जो हमारी बैठी हुई स्टेट थी, जब हम बैठे हैं उसके साथ लिक्विड को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड्स में स्पेसेस इससे स्पेसेस थोड़ी कम है, तो लिक्विड्स जो है थोड़ा लेस फ्री होते हैं मोशन के लिए, और सॉलिड्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, ये वैसा है जैसे हम लेटे हैं और इनमें एनर्जी बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो यानी गैसेस सबसे ईजिली मूव कर सकते हैं, लिक्विड उससे लेस ईजिली, और सॉलिड्स तो बहुत मुश्किल है सॉलिड्स के पार्टिकल के लिए मूव कर पाना। तो हमारी तीन स्टेट जो हैं वो इन तीन स्टेट्स के साथ मैच करती हैं, तो मैंने कुछ ऐसा क्रिएट किया, उसके बाद मुझे ईजिली याद हो गया, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप भी इसको फॉलो करना। लास्ट वन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप किसी भी चीज का यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, सीजीएस में ले लेते हैं 1 cm², ठीक है। किसी भी चीज का 1 cm² ले लेंगे, लेट अस सपोज इस चॉक का 1 cm² ले लिया, वाटर का 1 cm² ले लिया, और किसी गैस ऑक्सीजन का 1 cm² ले लिया, ठीक है। उन तीनों में 1 cm², इन तीनों का ले लिया हमने, उन तीनों में से जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप सोचो, आपने लिया चौक, आपने लिया वाटर और आपने लिया ऑक्सीजन, तीनों का 1 cm² एरिया लिया, ठीक है, सॉरी मास पर यूनिट वॉल्यूम 1 cm³ वॉल्यूम लेने, आपने एरिया मैंने जहां भी बोला वो थोड़ा गलत हो गया, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपने तीनों का 1 cm³ वॉल्यूम लेना है और तीनों का मास चेक करना है, ठीक है। क्या लगता है सबसे ज्यादा मास किसका होगा? चलो मैं थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ, जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसमें मास ज्यादा होगा, या जिसमें पार्टिकल्स कम होंगे उसमें मास ज्यादा होगा? वेरी ऑब्वियस, जिसमें पार्टिकल्स ज्यादा है उसका मास ज्यादा होगा। तो अब बताओ, चौक, वाटर और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पार्टिकल 1 cm³ में किसके होंगे? हमने देखा नहीं है लेकिन हम गेस कर सकते हैं, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसमें होते हैं? सॉलिड में, ठीक है। तो इसका मतलब जहां ज्यादा पार्टिकल उसका मास ज्यादा, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे डेंसिटी को हम समझ सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, जो चिमनी में से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है, कॉटन, वाटर, हनी, चौक, आयरन, इन सब की डेंसिटी कंपेयर करनी थी। थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, चलो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ आ रहा होगा। इन सब में से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? पहले सबसे कम देख लेते हैं, एयर की डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है, एग्जॉस्ट ट्यूब से ज्यादा, क्योंकि एग्जॉस्ट में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बाकी गैस होती है सॉलिड पार्टिकल्स, एयर में प्रॉपर गैस है, एग्जॉस्ट में थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। कॉटन प्रॉपर सॉलिड है, ठीक है। फिर वाटर, अच्छा कॉटन की डेंसिटी वाटर से कम है, क्यों कम है? क्योंकि कॉटन को जब वाटर के ऊपर डालोगे कॉटन फ्लोट करेगा इनिशियली, बाद में अंदर चला जाता है क्योंकि कॉटन वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इनिशियली वो फ्लोट करेगा। ये भी एक तरीका है डेंसिटी को समझने के लिए, जो सब्सटेंस फ्लोट करे किसी दूसरे सब्सटेंस के ऊपर तो फ्लोट करने वाले सब्सटेंस की डेंसिटी कम होती है, और जो नीचे वाला सब्सटेंस होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो कॉटन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ऑल्दो कॉटन सॉलिड है बट उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि कॉटन वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। डेंसिटी से रिलेटेड ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज किसी सब्सटेंस के ऊपर फ्लोट करे तो जो फ्लोट करने वाली चीज है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो सिंक हो जाए उसकी डेंसिटी कम है। वाटर के बाद हनी की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं उसको, हनी को, चौक की डेंसिटी उससे ज्यादा, और आयरन की सबसे ज्यादा, ठीक है, ओके। तो एक बार डेंसिटी का ऑर्डर है। अच्छा एक बात और है, मैंने आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं, मैं क्लास 9 की बुक प्लस थोड़ी अपनी नॉलेज और प्लस थोड़ा 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 उसको एक्सपेंड करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे हर टॉपिक के साथ बुक पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो थोड़ा मतलब थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे डेंसिटी वाला डिस्कस किया मैंने, प्रेशर डिस्कस किया, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो बिल्कुल सेम है, जो बिल्कुल एज इट इज है मेरे लेक्चर जैसा ही, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो आप वो खुद गो थ्रू कर सकते हैं जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, और जो क्लास 9 पढ़ चुके हैं, जो वैसे ही वीडियो को देख रहे हैं, वो ठीक है, उनके लिए सफिशिएंट है ये वीडियो, ठीक है, उनकी नॉलेज अपग्रेड हो रही है जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा एक लास्ट पॉइंट है ताकि टॉपिक खत्म हो जाए, स्विम थ्रू अ स्ट्रीम, लेट सपोज कोई नहर है, कोई रिवर है, आपने उसके अक्रॉस स्विम करना है, ठीक है, या ये एयर है, एयर के अक्रॉस भी मैं इजिली अपने हैंड्स मूव कर सकता हूँ, लेग्स मूव कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे इस वॉल को क्रॉस करके जाना है तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कराटा एक्सपर्ट होता तो शायद चला जाता, बट यूजुअली मेरे को तो कराटा आता नहीं है, तो मैं तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर
वाटर को क्रॉस करना भी इजी है, एयर को क्रॉस करना भी इजी है, लेकिन सॉलिड्स को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। सबसे ज्यादा इजी है एयर को क्रॉस करना, वो हम रेगुलरली करते रहते हैं, नोइंगली और अननोइंगली हम चल रहे हैं तो एयर को क्रॉस कर रहे हैं। वाटर को क्रॉस करना भी इजी है, जो स्विमर्स हैं बहुत आराम से कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप वाटर के अंदर खड़े होकर चल तो सकते ही हो, मतलब आप उसको क्रॉस कर सकते हो, लेकिन वॉल को क्रॉस करके दिखाओ जरा, नहीं कर सकते, ठीक है। उसका रीजन भी है पार्टिकल की अरेंजमेंट, गैस के पार्टिकल यूजली पैक है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, अगर आपने गैस के पार्टिकल्स के बीच में से निकलना है तो आप इजिली निकल सकते हो, क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल साइड पे हो जाएंगे, ठीक है, तो आप इजिली बीच में से निकल सकते हो, ठीक है। गैस आपको अलाउ कर देगी, और वैसे भी उसके बीच में इंटर जो पार्टिकल स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप इजिली क्रॉस कर सकते हो। यहाँ पे वाटर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कर लेते हो लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप फिर भी कर लेते हो, क्योंकि आप उसको ओवरकम कर लेते हो, थोड़ा सा फोर्स लगाते हो वाटर में तो आप उसको ओवरकम कर लेते हो, लेकिन सॉलिड्स में तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड है, उसको ओवरकम करने के लिए स्पेशल फोर्सेज चाहिए, जो कराटा एक्सपर्ट के पास, कराटा जो भी कराटे करते हैं उनके पास होती है, उन्होंने वो टेंडेंसी अपने अंदर डेवलप की होती है, तो वो कर लेते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।